हेलो नमस्कार, सारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और आज के लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2022 में जो बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो पेपर होंगे उनका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। क्योंकि देखो, पेपर पैटर्न के बारे में हम क्यों सोच रहे हैं भाई? पेपर पैटर्न नॉर्मली आप जानते हो क्या रहता है, लेकिन हम क्यों सोच रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि पिछले साल जो अपना सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, थर्ड ईयर का जो पेपर पैटर्न रहा था ना, उसमें क्या था, बदलाव कर दिया गया था। कि उसमें पेपर पैटर्न जो था कि जितने भी आपके 10 क्वेश्चन आते थे ना, उन सभी क्वेश्चनों में से कोई से भी आपको 3 करने थे, मतलब 60% आपका सिलेबस कर दिया था। क्योंकि उससे ना बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि इस साल 2022 की जो एग्ज़ाम होने वाली है, आने वाली, इनमें पॉसिबिलिटी है कौन से पेपर पैटर्न आने की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से डिस्कस करता हूँ। देखो, 2021 में जो आपके पेपर हुए थे ना, उसमें जो आपका पेपर पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस आया था वो कितना था? 60%। ठीक है, और उसमें भाई सिलेबस तो देखो, देखा जाए ना तो सिलेबस आपका पूरा था 100%। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस आपका पूरा 100% था। लेकिन बदलाव क्या हुआ था? बदलाव हुआ था केवल और केवल आपके पेपर को अटेम्प्ट करने की जो कंडीशन थी ना, वो चेंज हुई थी। तो अटेम्प्ट करने की जो कंडीशन थी वो यही थी कि आपको जो 10 क्वेश्चन थे उनमें से कोई से भी 3 कर दो, ठीक है, आपका काम हो गया था। मतलब आपका जो सिलेबस है वो एक तरीके से कम कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अपने पास में है कि 2022 है हमारे पास, इसमें पेपर पैटर्न क्या रहेगा? क्योंकि बच्चों को उम्मीद है इस पेपर पैटर्न से कि यार क्या पता यूनिवर्सिटी इस बार भी अगर पेपर पैटर्न थोड़ा कम कर दे, सिलेबस को भी कम कर दे। देखो, एक कहते हैं ना उम्मीद, उम्मीद और आशा अभी ये बन रही है कि आपके लिए कोई भी पेपर पैटर्न में बदलाव नहीं होगा और जो पहले आपका पेपर पैटर्न चलता आ रहा है वही रहेगा। अब पहला जो अपने पेपर पैटर्न आते थे वो कैसे थे, उसमें वही बात है कि जो आपके जितने भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे अथवा में है क्वेश्चन नंबर, ये अपना फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पहले के पेपर के अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न जो अपना था उसके अकॉर्डिंग या तो आप ये 2 अटेम्प्ट करो या फिर आप ये 2 अटेम्प्ट करो, बीच में अथवा वाला ऑप्शन था। अभी पिछला जो पेपर पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया था कि यहाँ पे चाहे आप ये करो चाहे आप ये करो, नंबर आपको दोनों के मिलेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, या तो आपको दोनों करने पड़ेंगे या फिर ये दोनों करने पड़ेंगे। अभी तक जो पॉसिबिलिटी है मार्च एंड तक, पॉसिबिलिटी यही है, 90% पॉसिबिलिटी है कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो यही रहेगा और आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस, बच्चे कह रहे हैं सर सिलेबस थोड़ा कम होगा, कई तो टीचर भी यहाँ तक ऐसे कह रहे हैं कि आपका सिलेबस वो कम होगा और 70% तक सिलेबस आपका आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये 70% जो सिलेबस है ना, इसको लेकर जो चांस बन रहे हैं ना, वो लगभग 95% तो गलत है। कोई 5% चांस ऐसे हैं जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो आ सकता है 70%। क्योंकि अभी तक जो चांस बन रहे हैं, शायद अगर सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता तो यूनिवर्सिटी अब तक अपन को हिंट दे चुकी होती, लेकिन अभी अपन को कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। तो ये 5% वाली जो कहानी है, यानी कि 5% चांस ही है 70% सिलेबस आपके आने के। तो इसका मतलब है कि आपको उम्मीद और आशा छोड़ देनी है कि सरकार या फिर यूनिवर्सिटी आपका जो सिलेबस है वो कम करवाएगी, ठीक है, क्योंकि अब कोई भी कोविड की कोई भी संभावना नहीं है। तो अब बच्चे ये कहेंगे कि सर एक बात बताओ, आप अपने जो ये स्टडी का जो माहौल स्टार्ट हुआ था वो दिसंबर से हुआ था, क्योंकि दिसंबर के नवंबर, 30 नवंबर को तो रिजल्ट ही आया था और कई यूनिवर्सिटियों में तो रिजल्ट भी बहुत लेट आया था, ठीक है, 15-25 दिसंबर, 30 दिसंबर के समथिंग में रिजल्ट आया था। तो अब एक बात बताओ, जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल, मान लो आप 4 महीने में कंप्लीट पूरे पेपर कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? मैं इस बात से एग्री हूँ बिल्कुल, ये जो बात आपके मन में चल रही है इस बात से मैं पूर्णतः एग्री हूँ कि भैया यूनिवर्सिटी को सिलेबस कम करना चाहिए, क्योंकि इतने कम टाइम में अपन सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि भैया अगर मैं
जुलाई में पढ़ना स्टार्ट करता था ना, जुलाई के अंदर, तब जाके कहीं ना कहीं मेरा सिलेबस जो है वो मार्च एंड तक खत्म होता था। लेकिन अब एक बात बताओ, जब आपने दिसंबर में पढ़ना चालू किया है, तो मार्च एंड तक आप कैसे कर पाओगे तीनों पेपरों को, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है, वो यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो क्या कारण दे रहे हैं कि हमने आपको प्रमोट कर दिया था सितंबर के अंदर ही, अगस्त सितंबर में ही आपको बता दिया था कि आपको मैंने प्रमोट कर दिया, लेकिन आपने वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, चलो आपने प्रमोट कर दिया, बच्चों को 1 महीने का टाइम मिला होगा, उसके तुरंत बाद ही तो इन्होंने टाइम टेबल निकाल दिया सेकेंड ईयर का और इनकी एग्जाम स्टार्ट कर दी। तो यार बच्चों के साथ में एक तरीके देखा जाए तो नाइंसाफी है, देखा जाए तो। अब देखते हैं क्या फैसला बनता है। लेकिन मैं बच्चों को दिलासा बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरा कहना तो यही है साहब साहब कि आपको पूरा जो पेपर पैटर्न है ना, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है भाई। थोड़ा सा क्या है कि आप एक्स्ट्रा लेके चल लो ना, क्या दिक्कत है भाई? जो आपका पेपर पैटर्न वो एक्स्ट्रा लेके चल लो आप। कम से कम में अगर आप 70% की उम्मीद, मतलब आपकी उम्मीद है कि 70% आएगा, लेकिन अगर आप पूरा 100% तैयार कर लेते हो और बाद में मान लीजिए कम हो जाता है, तो कितनी खुशी होगी आपको, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस टाइम पे जो है सिलेबस के बारे में बिल्कुल ना सोचे, जितनी ज़्यादा हो सकती है मेहनत को डबल करो आप, क्योंकि टाइम आपके पास में कम है। तो इसलिए सिलेबस को छोड़ो भाई, और जो कट मतलब कम आने के चांस है उनको भी छोड़ो, और जो ये पेपर पैटर्न जो मैं बता रहा था ना, ये यहाँ पे कि भाई इतना कम हो सकता है, या फिर 60, मतलब जो ये अथवा वाली बात है पिछले साल तक रहेगी नहीं रहेगी, चांस कम है और उम्मीद कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये राजस्थान यूनिवर्सिटी है, कुछ भी फैसला ले सकती है। इसलिए अपने को तैयार रहना है, कंप्लीट पढ़ना है, जो भी पढ़ो, चाहे 2 यूनिट पढ़ो चाहे 3 यूनिट पढ़ो, कंप्लीट पढ़ना है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है? तो आज की ये वीडियो मतलब जो प्रॉपर थी वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। और अब यहाँ पे इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन को कोई और नॉलेजबल वीडियो आपको मैं दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी किसी को भी कोई डाउट है, ठीक है, और खासकर BA थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, अगर आपको कोई पेपर सब्जेक्ट पढ़ना है तो अपने यहाँ पे बैच स्टार्ट मैंने कर रखा है, अगर आपको पढ़ना है तो कॉन्टेक्ट कर सकता है, नीचे लाइन चल रही है यहाँ पे, उस पर कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे अपना एक एप्लीकेशन है BSc प्रो क्लासेस के नाम से, तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है भाई? किसी को भी कुछ भी पूछना हो, ठीक है, अपने यहाँ पे कोई बैच की बात नहीं कर रहे, आपको मान लीजिए कि पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, हमें अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इन सभी बातों को अगर आप डिस्कस मेरे साथ करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।